इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा मैकेटर फिर से सिस्टम उसकी बॉडी यहाँ पे कंट्रोल कर रहा था, इस वजह आता है और लड़की को पकड़ लेता है, उठा के जमीन पे यहाँ पे पटक देता है। उसके बाद है ना ऊपर से उसके कपड़े भी फाड़ना चालू करता है और फिर उसकी टांगे फैला देता है। वाओ, और पीछे से जो बाकी बंदे ना देखे हिले के हिले रह जाते हैं। ये भी देखता है सिस्टम तू मुझसे क्या काम करवा रहा है और सबके सामने, नहीं यार हमसे ना हो पाएगा। पीछे से ये जो लड़का ना, ये लड़का बड़े गुस्से में आ जाता है कि हरामजादे तू तो मरना यहाँ पे डिजर्व करता है। ये तो भी लड़की के ऊपर ऐसा लेट जाता है। उसके बाद भाई वो सब करने को तैयार ही है, लड़की भी चिल्ला जाली भाई मुझे छोड़ दे ठहर के कहीं के, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। लड़का पीछे से चैन से हमला करके इसको दूर घसीट लेता है। सिस्टम में लिखा था किसी और ने आपको बीच में डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए जो प्रैक्टिस है ना बीच में रोकना चाहेंगे। आई होप आपको पसंद आया रहेगा और आप हमको ना 5 स्टार यहाँ पे दोगे, ये कदम देंगे माइनस में जो 5 स्टार यहाँ पे देंगे। वो लड़का जिसने पीछे से चैन से पकड़ के उखड़ा था ना, आई मीन उठाया था, उठा के उसको ऐसा दूर फेंकता है और एक शार्क जैसा हमला करता है जिसे एक शार्क एपियर होता है और हमारे मेन कटर को खा जाता है। लेकिन हमारा मेन कटर ना उसका पेट फाड़ के यहाँ पे बाहर आ जाता है। जो देखे ये लड़का भी कंफ्यूज किया, अरे बाप रे यार ये लड़का कितना स्ट्रॉन्ग यार, मेरे शार्क का पेट फाड़ के बाहर आ गया। फिर जो हमारे मेन कटर ऊपर है ना ऐसा अजीब अजीब सा पपेट जैसा टेक्निक यहाँ पे यूज किया जाता है और ढेर सारे पपेट है ना वो अटैक करने के लिए यहाँ पे भेज दिया जाता है। तो हमारा मेन कटर उसके साथ ही फाड़ करता है और सारे पपेट्स को भी खत्म करता है। और लड़का देख के जाता हिल के, अरे यार ये लड़का क्यों आ रही फनी स्टेज के सातवें लेवल पर है, लेकिन जिस वे में फाइट कर रहा ना क्यूआर फनी का सातवें लेवल का कभी भी ऐसा नहीं कर सकता यार, कहीं ऐसा तो नहीं है इसकी रियल पावर कहीं हाई होगा बस से छुपा रहा रहेगा। तो सामने से भाई ये दोनों जो लड़कियां थी ना बाकी उसकी सपोर्टर वो भी आ जाती है और कहती है सीनियर टेंशन ना लो, हम भी तुम्हारे साथ मिलकर फाइट यहाँ पे करेंगे। और इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी जूनियर डोंग को परेशान करने का, वही लड़की जिसके साथ करने की कोशिश की थी उसी का नाम डोंग है, उसके बारे में कह रहे हैं। हमारा मेकअप भी देखता है कि यार अकेले फाइट करने में दिक्कत हो रहा था, दो और यहाँ पर आ गए, 1 vs 3 का मुकाबला मैं कैसे यहाँ पे कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कहता सुनो यार जो जेंग यहाँ पर है ना मैं जेंग के लिए काम करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, ये जो कुछ यहाँ पर हो ना गलती से एक्सीडेंट यहाँ पर हो, आई होप तुम मुझे छोड़ दो। वो लड़का कहता है जेंग तू जेंग के लिए काम करता है क्या, ये कहता है यस 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 मैं जेंग के लिए काम यहाँ पे करता हूँ, इसलिए प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि है ना प्लीज आप मुझे यहाँ पे छोड़ दीजिए, बदले में ना ये टॉप क्वालिटी का जो बोन टेम्परिंग पिल है ना वो मैं तुमको यहाँ पे देना चाहूंगा। सामने से लड़का आ जाता गुस्से में, वो कहता कि भाई तुझे क्या लगता है कि इस मामले जेंग से अपन यहाँ पे डरता, अगर आज जेंग का बाप भी यहाँ पे आ जाता ना उसको भी नहीं छोड़ता, उसकी भी बैंड बजाता। हमारा मैं कहता कहता ऐसा ना बोलो भाई, ये पिल देखो यार कोई ऐसा वैसा पिल नहीं है, टॉप क्वालिटी का पिल यहाँ पर, इसे ले लो और गलती हो गई उस गलती को मुझे माफ कर दो। सामने सो कहता है फकिंग डोंट केयर, इतना बोल के चैन से हमला करता है पिल की बोतल पर, जिससे पिल की बोतल टूट जाती है, जो पिल है ना जमीन पर गिर जाता है। और जो लड़की डोंग यहाँ पे थी ना उसके पास पिल आता है, ये भी सामने से कहती है कि वाओ पहले मेरी इज्जत लूटने की कोशिश यहाँ पे किया, बाद में ना मेरा अपमान करने के लिए उसने इतना फालतू सा बेकार सा जो पिल है ना वो पिल मुझे देने की कोशिश यहाँ पे की। लेकिन दूसरा जो लड़का यहाँ पे था वो कहता है एक सेकंड डोंग टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ये पिल है ना कोई लो बेकार नहीं है बल्कि सच्ची में टॉप क्वालिटी का ना ये पिल मुझे यहाँ पे लगता है, एक सेकंड भाई टॉप क्वालिटी का बोन टेपरिंग पिल, इसके अलावा ना एम्पायर स्केप टेक्निक, इसके अलावा कोल्ड मैरो फायर, इसके अलावा उस जेंग वाला स्वॉर्ड, इतना सब कुछ ना जेंग अकेले इसको दे नहीं सकता, इसलिए मुझे लगता है ये जेंग का मेन वो बंदा नहीं है बल्कि सीनियर ली का कोई बंदा यहाँ पर होगा। इसलिए अपने लड़के से कहता है कि सुनो शांत हो जाओ, वो जो लड़का ना उसको मत मारो, मेरे ख्याल से जो ली है ना ये पकड़ ली का बंदा यहाँ पर होगा। वो भी सोचते क्या सीनियर का बंदा यहाँ पर होगा, अरे सीनियर ली बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंबर है और मैं बस एक आउटर डिसाइपल हूँ, इसको मारा सीनियर ली नाराज होकर आएगी ना तो मैं भी यहाँ पे मर जाऊंगा, प्लस मैं काफी देर से पहले से भी फाइट कर रहा था और फाइट करते करते मेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, नहीं टिक पाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस हम लोग यार सेम सेट से बिलोंग करते हैं, या दुश्मनी निभाने से अच्छे की दोस्ती कर लेते हैं, प्लीज यार छोड़ दो मामले को शांत करो। वो लड़का सोचता है कि भाई अपमान मेरा नहीं हुआ, बेइज्जती मेरा यहाँ पे नहीं हुआ, जो कुछ हुआ डोंग का यहाँ पर हुआ है तो ऐसे कैसे मैं सह लूंगा, इसलिए कहता है कुछ भी हो जाए आज तो यहाँ पे मरेगा। इतना बोल के वापस से चैन से हमला करता है, हमारा मेन कैरेक्टर चैन को पकड़ लेता है और कहता है नो मारे से गलती यहाँ पर हो गई थी तो बदले में लेकिन हमने पिल यहाँ पे दे दिया था, जो पिल की कीमत ही ना बहुत ही ज्यादा हाई थी, मैंने एक नहीं बल्कि 3-3 यहाँ पे दिया था, लेकिन तो भी तुम हमारे ऊपर अटैक यहाँ पे कर रहे हो, देख लो भाई तुम अपनी औकात से बाहर जा रहे हो। वो लड़का भी जाता है चौकी, अरे बाप रे अचानक से इसके अंदर इतनी पावर कैसी आ गई, इसने मेरा चैन पकड़ लिया, जो चैन है ना मैं चैन यहाँ पे छुड़ा भी नहीं पा रहा, उतने में एक पेट यहाँ पर आती है, पेट यानी भाई पालतू जानवर, वो आती है चैन पे अटैक करके चैन दूर करती है, पेट किसी और का नहीं बल्कि गुआंग नाम की जो लड़की थी ना उसका यहाँ पे था, और साथ ही में जो हमारे बंदे सॉन्ग और साथ ही में लू थी ना वो लोग भी यहाँ पे आ चुके थे। सामने से वो लोग भी देख के चौंक जाते, कह रही है तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। हमारा मेकअप खुश के चलो यार ये लोग यहाँ पे आ गए,
गए, पक्का मेरे सपोर्टर यहाँ पर आ गए, मुझे सपोर्ट करेंगे। जाते जो लू है ना, लू का टांग पकड़ लेते कि अरे थैंक गॉड तू सही टाइम पर यहाँ पे आ गई है, तुम्हें यहाँ पे नहीं आती यार मैं मर जाता, तुम्हारी जो सीनियर यहाँ पे जीने ना फिर भी दुआ यहाँ पे हो जाती। मनी मन सोचती भाई काम तो गंदा मैंने भी किया था, लेकिन इनको मेरा गंदा काम के बारे में आइडिया चले उससे पहले मैं सामने से खुद को अच्छा बना देता हूँ। जीन भी कहती बोलो यार तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या हो रहा था, ये कहते क्या ना मैं तो अपना काम कर रहा था, काम करते करते यहाँ पर आ गया, यहाँ पे ये लोग पहले से अवेलेबल थे। मालूम है कि जैसे उन्होंने देखा ना मिल के मेरे पे अटैक कर दिया, मैं चिल्लाया कि बचाओ 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 मुझे छोड़ दो, छोड़ने को तैयारी नहीं है, मुझे जान से मारना चाहते थे। तो सामने से लू भी कहती क्या तुमने ऐसा यहाँ पे किया, या तुमको शर्म यहाँ पे नहीं आती, तुमको क्या लगता है इसको मार के तुम्हारा ये दिखा देते, यस भाई हमने कितना पावरफुल है, हमने इसको यहाँ पे जान से मारा। सामने से लोग कहते नहीं नहीं गलत फहमी यहाँ पे हो रही है, उस लोंडे ने आपको पूरी बातें नहीं बताई, हमारी जूनियर जो डोंग यहाँ पर ना उसने इसकी जो इज्जत को बढ़ा डालने की कोशिश यहाँ पे की, तो हमने सामने से बदले में यहाँ पे फर्क किया। हमारा मेकटर सोचता कि यार इनको ये बताना जरूरी था क्या, इनको सच्ची में फर्क नहीं पड़ता कि भाई डोंग की इज्जत की बात अगर बाहर जाएगी तो उसकी ज़्यादा बेइज्जती यहाँ पर होगी। तो सामने से लू भी कहती है क्या भाई डोंग, अच्छा वो लड़की उसके बारे में यहाँ पे कह रहे हो, अरे सामने से मेन कैरेक्टर भाई तुम्हारे पास बिल्कुल भी अक्ल वक्ल यहाँ पे नहीं है क्या, अगर तुमको चाहिए भी किसी के साथ यहाँ पे मजे करने थोड़ी अच्छी लड़की रहनी चाहिए, ये क्या है भाई ना दिखने में कुछ खास है ना पावर में कुछ खास है, नल्ली यहाँ पर है तो इस नल्ली के ऊपर कहीं कोई यहाँ पे ध्यान दे रहा है। मेन कैरेक्टर भी कहता तो भाई मेरे पास सजीन जैसी पहले से कमाल की लड़की है, मैं इस नल्ली पर ध्यान यहाँ पे कहीं को दूँ, कुछ भी यहाँ पे बोले जा रहे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो दोनों कहते हैं कुछ भी नहीं किया, झूठ यहाँ पे मत बोल, ये देख बेचारी की हालत है भाई, कपड़े वपड़े यहाँ पे फटे हुए, तूने ये सब करने की कोशिश की थी, हम नहीं चाहते तो जैसा कोई भी फालतू आदमी आए और इसकी इज्जत के ऊपर यहाँ पे हाथ डाली, इसलिए हमने तेरे साथ यहाँ पे फट किया, अब तो सच बोल दे झोपड़ी के। तो गुआंग यहाँ पे कहती है अच्छा उसके कपड़े यहाँ पे फटे हुए हैं, यानी उसके साथ यहाँ पे जबरदस्ती हुई है, कपड़े तो भाई इन दोनों के भी नहीं है, इन दोनों ने खाली अंदर के यहाँ पे पहना, इसका क्या मतलब यहाँ पर हुआ कि इन दोनों के साथ ने भी पाई ने करने की कोशिश की। ओ छोड़ो भाई अबे लड़के तू, कपड़े तो भाई तेरे भी यहाँ पे नहीं है, ऐसा मत बोल इसने भी करने की कोशिश की, मुझे लगता है भाई तुम लोग आपस में कर रहे थे, ये बीच में यहाँ पर आ गया तो सामने से भाई तुमने जो भी इल्ज़ाम है ना सारे इल्ज़ाम इस पर लगाकर इसको ये जान से मारने की कोशिश की ताकि आगे चल के ये तुम्हारे बारे में एक्सपोज यहाँ पे ना कर दे, क्यों मैंने ठीक यहाँ पे बोला ना। हमारा मेकअप डर कहते यस यस यस, ये लोग पहले से नहीं ये सब कर रहे थे, मैंने आके इनको रोका था, ये लोग ऐसा डर के कहीं इनको बारे में बताना दूं तो सालों ने मुझे जान से मारने के बारे में सोचा। जो सुनते सामने से ये भी कहती है गुआंग की हाँ तुमने ठीक बोला, ध्यान से देखो पहले को इतना प्यारा इतना मासूम लड़का ये झूठ बोल सकता है क्या, नहीं ये झूठ नहीं बोल सकता और इसने झूठ नहीं बोला, ये जो भी बोल रहा है ये 200% यहाँ पे सच बोल रहा है। हमारा मेकअप डर खुश है, सारा इल्जाम इनको पर लगा दिया, अब सिस्टम भाई तू तो लगभग मुझे मरवा ही दिया था लेकिन भाई इतना आसानी से मैं मरने वाला नहीं हूँ। गुआंग कहती है चलो भाई यहाँ का तो मामला सॉल्व हो गया ना, यहाँ पे बैठ के अब क्या टाइम पास करें, हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये भी कहते यस हमको आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए तुम लोग बाय इनको बाय बोल के निकल जाता है। लड़के को अभी भी गुस्सा आया होता कि साले तू बाद में कहीं बाहर मिल तुझे देख लेंगे, उसको देख चारों बाहर निकल जाते। तो रास्ते में हमारे मेकटर है ना वो पूछता भी लू से कि हाँ जो गुआंग है वो अपनी टीम की मेंबर नहीं थी लेकिन अपने को सपोर्ट कर रही है, तो भाई ऐसा कैसे वो हमारी टीम में कैसे अचानक से आने को तैयार हो गई। ये कहती भाई हमारी टीम के तो भाई बैंडी बच गई, हम तीनों जिंदा है ये हमको भी मालूम है, इनकी टीम के साथ भी कुछ हुआ, इनकी टीम के भी जो भी मेंबर्स थे ना सारे मेंबर यहाँ पे मारे गए, एक लौते यही बची है, यही हमारे सामने आई कहे कि भाई हमारे टीम में भी नहीं बचे तुम्हारे टीम में भी नहीं बचे, काम करते दोस्ती कर लेते कोऑपरेशन कर लेते दोनों का फायदा हो जाएगा, तो हमने भी एग्री यहाँ पे कर लिया। हमारा मेकटर सोचता चलो भाई जुआंग ने ज्यादा भरोसे वाली इस पे ज्यादा अच्छे से भरोसे कर सकते हैं, तो हम लोग ना आराम से इस वेला से बाहर निकल जाएंगे, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।